हेलो एंड वेलकम दोस्तों। सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती को कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हां, एनसीबी ने की है कार्रवाई। रिया चक्रवर्ती को ले लिया है हिरासत में, उनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अब से रिया चक्रवर्ती एनसीबी की हिरासत में रहने वाली हैं और उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा रहा है, वैसे ही सुशांत के फैंस और उनके चाहने वालों के दिल में एक उम्मीद जग गई। जी हां, उन्हें लगा कि अब न्याय मिल चुका है। अब इसी फहरिस्त में एक नाम है सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का। जी हाँ, वो लगातार शुरू से, जब से सुशांत की मौत हुई है, तब से वो उनके लिए न्याय मांग रही हैं। उन्होंने सीबीआई की डिमांड भी की थी, साथ ही साथ वो सुशांत के परिवार के साथ हर कदम पर खड़ी हुई नजर आई हैं। उनके ऊपर बहुत से एलिगेशंस लगाए गए हैं, लेकिन फैंस ने उन एलिगेशंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि फैंस ने ये भी कहा कि अगर सुशांत और अंकिता लोखंडे एक साथ होते तो शायद ही सुशांत सिंह राजपूत इस तरह का कदम उठाते। फिलहाल आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर अंकिता लोखंडे ने भी अपने दिल की बात कही है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि नथिंग हैपन्स बाय चांस बाय फेट, यू क्रिएट योर ओन फेट बाय योर एक्शंस, दैट्स कर्मा। जी हाँ, और इसके साथ साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है जस्टिस, यानी कि उन सभी लोगों की जो उम्मीद थी उस पर एनसीबी की ये कार्रवाई पूरी खरी उतरी है। अब एनसीबी की गिरफ्त में आ चुकी हैं रिया चक्रवर्ती और अब उनसे होंगे बहुत खुलासे। क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत की बड़ी वजह ड्रग्स थी, या फिर डिप्रेशन था, या फिर मर्डर था? ये सारी चीज़ें रिया चक्रवर्ती ही खोल सकती हैं। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी में आने का मतलब ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को एक तरह से हम पॉजिटिव साइन पर देख सकते हैं। वेल, आपको बता दें कि देश और दुनिया में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर सुशांत के फैंस बहुत खुश हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से इस खुशी का इजहार कर रहा है। फिलहाल ये वो पोस्ट था जो अंकिता लोखंडे, सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उन्होंने एक कार्रवाई होने के बाद किया। इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी है वीडियो हमें बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।